भाई अगर आपको ग्रैंड आरपी में कुछ भी बेचना है ना, तो उसके तीन तरीके हैं मेनली। एक है एड्स, दूसरा है मार्केट और तीसरा है कॉन्टैक्ट्स। अब हम इस वीडियो में मार्केट्स की बात करेंगे और स्पेसिफिकली बीच मार्केट की। आपको बताऊंगा कि बीच मार्केट कैसे यूज करते हैं, कैसे वहां सामान बेचना है और कैसे पैसे कमाने हैं। इस वीडियो के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखना। बहुत छोटी वीडियो है, टारगेट है आज 1000 लाइक्स का। आई होप आप करवा दोगे। और अगर ग्रैंड आरपी खेलना स्टार्ट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज्वाइन करो, फ्री है रजिस्टर करना एंड इवन आपको बोनसेस भी मिलेंगे। अब देखो, बीच मार्केट बनी है लीगल आइटम्स के लिए, लाइक सीड्स, बैटरीज, क्लोथ्स एटसेट्रा। लेकिन यहाँ आप गन्स एमो नहीं बेच सकते क्योंकि वो इलीगल आइटम्स है एंड उसके लिए ब्लैक मार्केट है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप घर या फिर गाड़ी भी नहीं बेच सकते, वो बहुत बड़ी आइटम्स है। खैर, ब्लैक मार्केट को कैसे यूज करना है, घर गाड़ी कैसे बेचना है, उसमें मैं कभी अलग वीडियो बना दूंगा। अभी बीच मार्केट आपको मैप पे यहाँ पर मिल जाएगी, वहां जाओ, एनबीसी पे जाकर ई प्रेस करो। अब शॉप रेंट करने के लिए पहले देखो कि कौन सी शॉप क्लोज है एंड कौन सी वर्क कर रही है। आप सिर्फ क्लोज शॉप्स में से ही एक रेंट पे ले पाओगे। अब बीच मार्केट टेक्निकली काफी लंबी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इस बाउंड्री के बाद शॉप मत लेना रेंट पे, पर्टिकुलरली इस ब्लू बिल्डिंग के बाद, क्योंकि वो ग्रीन जोन में नहीं आता। मतलब वहां गैंग वाले आपको लूट सकते हैं, वैसे भी वो रीजन घेटों में आता है। इवन इतनी दूर कोई आता भी नहीं है, हर कोई स्टार्टिंग ही कुछ शॉप्स ही चेक करेगा बस। बट वही बात है ना, वहां पे रेंट पे मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि लोग पूरे दिन रेंट पे लेके बैठे रहते हैं एंड छोड़ते नहीं है। अब एनपीसी पे जाकर रेंट शॉप पे क्लिक करो, वहां से आप वो शॉप सिलेक्ट कर लो जिसपे येलो एरो आ रहा हो। बस एरो की से लेफ्ट राइट करके ब्राउज करो, देन आप एरो की प्रेस करके आवर्स डालो, मैक्स 3 आवर्स के लिए रेंट कर सकते हो। उसके बाद फोन नंबर देना ना देना आपकी मर्जी है और बस आपकी शॉप रेंट हो गई, जिसकी कॉस्ट आएगी $500 पर आवर या फिर 1500 पर 3 आवर। वहां लिखा आएगा कि आपकी कौन सी स्पेस है, वहां जाओ और ई प्रेस करके आइटम स्टोर में लगाओ। अब बस जो आइटम सेल करना चाहते हो ना, वो इन्वेंट्री से निकाल के शॉप पे डालो और उसका प्राइस सेट करो। लोग यूजुअली 1000 की जगह 999 वाली चीज यूज करते हैं, जो कि रियल लाइफ में भी होती है, तुम्हें पता ही होगा। दूसरा, यहाँ अगर आप 2 सीट्स डाल रहे हो ना, तो बायर 2 सीट्स ही खरीद सकता है एक साथ, अलग अलग नहीं खरीद सकता। इसलिए लोग एक्सपेंसिव आइटम्स को डिवाइड करके डालते हैं या फिर ग्रुप्स बना देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस डाल देते हैं। लाइक अगर आप 1 सीट डाल रहे हो तो उसका प्राइस हो गया 2000 का है, वरना अगर 10 सीट्स डाल रहे हो तो उसका प्राइस हो गया 20,000 का। अगर आपको आइटम्स के प्राइस नहीं पता तो और शॉप्स चेक कर लो कि लोग किस रेट पे क्या बेच रहे हैं। बीच मार्केट थोड़ी बदनाम है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीच मार्केट से जो भी बिकता है ना, उसका 5% तो स्टेट काट लेती है। मतलब आपने अगर 1 लाख का सामान बेचा तो 5,000 कट जाएंगे, इसलिए सेलर्स थोड़ा ज्यादा रेट पे आइटम्स लिस्ट करते हैं। जो भी आइटम लोग खरीदते हैं ना आपकी शॉप पे आकर, उसके पैसे डायरेक्टली आपके कैश में ऐड होते जाएंगे एंड उसमें से 5% ऑटोमेटिकली कट कर ही आएंगे। अब अगर आपके 3 आवर्स कंप्लीट होने वाले हैं तो आप एनबीसी पे वापस जाओ एंड एक्सटेंड द लीज पे क्लिक करो। वहां आप आवर्स डाल दो कितने और आवर्स के लिए एक्सटेंड करना चाहते हो एंड उतने ही पैसे कटेंगे। लोग यहाँ पूरे दिन एफ के बैठे रहते हैं क्योंकि वो शॉप रेंट पे लेके छोड़ देते हैं एंड हर 2-3 घंटे में आकर लीज एक्सटेंड करते रहते हैं। अब एक बुरी चीज इस मार्केट की ये है कि अगर आप गेम लीव करते हो ना, तो रेंट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। ऐसे में अगर गेम क्रैश हो गया तब क्या करोगे? अच्छी खासी लोकेशन जो आपने शॉप के लिए ढूंढी थी वो चली जाएगी। तो सिंपल है, आपके पास बस 5 मिनट हैं जिसमें आप गेम दोबारा ओपन करो, एनपीसी के पास जाओ एंड एक्सटेंड लीज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, सो दैट रेंटल रिन्यू हो जाए। ये अच्छा फीचर है जो लास्ट अपडेट में ही आया है। पर सपोज आपने कंप्यूटर ऐसे ही छोड़ रखा था एंड आपको पता भी नहीं कि कब क्रैश हुआ, तो शॉप तो जा ही चुकी होगी प्रोबेबली। पर आइटम्स सेफ है, चिंता ना करो, बस एनपीसी पे जाओ, गेट योर आइटम्स पे क्लिक करो एंड वहां से आइटम्स अपनी इन्वेंट्री में डाल लो। या अगर आपका मन कर रहा है शॉप का रेंटल एंड करने का, तो बस उसका ऑप्शन मिल जाएगा, वो कर लो एंड फिर अपनी आइटम्स ले लो। लास्ट ऑप्शन जो कि एनपीसी पे मिलेगा वो है विन अ प्राइस। बेसिकली ये है कि अगर आप एक वीक में 80 आवर्स गेम खेलते हो ना, तो आपको $1,00,000 का प्राइस मिल जाएगा। इसकी प्रोग्रेस आप एम प्रेस करके अर्न मनी वाले सेक्शन में भी देख सकते हो। वैसे किस पे इतना टाइम है कि कोई एक हफ्ते में 80 आवर्स गेम खेले? भाई इतना टाइम अगर किसी पढ़ाई में या फिर काम में लगाओगे ना, तो रियल लाइफ में पैसा कमाओगे। गेम को बस फन के लिए खेलो जितना आप टाइम खेल सकते हो। तो बस गाइस, यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर ग्रैंड आरपी अभी तक आपने खेलना स्टार्ट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाओ रजिस्टर करो एंड आपको मेरे लिंक से बोनसेस भी मिलेंगे। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, 1000 लाइक्स का टारगेट है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।